हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, आपको एक सेल दे रखा है एंड आपको इसका ई नॉट सेल निकालना है। और मैंने आपको ये सिखाया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट ऑफ रिएक्शन अकरिंग एट एनोड, तो क्रोमियम कन्वर्टिंग इंटू क्रोमियम प्लस 3, प्लस ई नॉट ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड, आयरन प्लस 2 कन्वर्टिंग इंटू आयरन। क्लियर? तो ई नॉट वैल्यूज आ जाएंगी, फिर हम ई सेल निकाल लेंगे यूजिंग द नर्न्स इक्वेशन। तो ई नॉट क्रोमियम टू क्रोमियम आयन, जबकि हमें उल्टा दे रखा है, तो क्या हो गया, हम माइनस का प्लस करके लिख देते हैं, प्लस आयरन प्लस 2 टू आयरन, विच इज माइनस 0.42। तो ये आ जाएगा 0.30 वोल्ट्स। तो ये ई नॉट सेल आ गया। अब ई नॉट सेल आ चुका है एंड ओवरऑल रिएक्शन अगर आप फ्रेम आउट करेंगे तो देखो, एनोड पे जो रिएक्शन चल रही है वो है क्रोमियम कन्वर्टिंग इंटू क्रोमियम प्लस 3, लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। एंड जो कैथोड पे रिएक्शन चल रही है वो है आयरन प्लस 2 गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू आयरन। तो बेसिकली हमें इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और दोनों को ऐड कर देना होगा, तब हम ओवरऑल रिएक्शन को फ्रेम आउट कर सकते हैं। एंड ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, 2 क्रोमियम प्लस 3 आयरन प्लस 2 कन्वर्टिंग इनटू 2 क्रोमियम आयन प्लस 3 आयरन। क्लियर? एंड इसमें जो एन वैल्यू आएगी आपकी, कितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। एंड क्यू वैल्यू क्या रहेगी, कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम आयन का क्यू क्या स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ फेरस आयन्स का क्यू। सो दिस विल बी क्रोमियम आयन्स की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है विच इज 0.1, तो 0.1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आयरन प्लस 2 की कंसंट्रेशन 0.01 का क्यू। क्लियर? इसी तरीके से किया था। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये बनेगा 10^-2 अपॉन, ये बन जाएगा आपका 10^-6। तो क्यू वैल्यू आ जाएगी आपकी 10^-4। अब क्यू आ गया, ई नॉट हम निकाल चुके हैं, एन निकाल चुके हैं, तो बस अब तो वैल्यूज ही पुट करनी है एंड ई सेल आ जाएगा। तो ई सेल हमारे पास होता है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कैलकुलेट किया था, 0.30 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन एन वैल्यू 6 है इनटू लॉग ऑफ क्यू, क्यू कितना है 10^4। क्लियर? तो बस सॉल्व ही करना है एंड ये बन जाएगा आपका 0.30 माइनस अप्रॉक्सीमेटली 0.01 इनटू 4। क्लियर? तो 0.30 माइनस 0.04, दिस विल बी 0.26 वोल्ट्स अप्रॉक्स। क्लियर? तो ई सेल आएगा आपका 0.26 वोल्ट्स एंड बी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।